कौशाम्बी के सेसा गांव के बाहर एक बाग में 17 वर्षीय युवक की लाश पेड़ से लटकती मिली। स्थानीय ग्रामीण जब भोर में अपने खेतों की तरफ गए तो लाश मिलने की जानकारी मिली। सूचना पर पहुंची करारी थाने की पुलिस ने लाश को पेड़ से नीचे उतारकर अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने युवक की शिनाख्त थाना अलावलपुर के मुंगी लाल के बेटे रामकरण के रूप में की। पुलिस की सूचना पर पहुंचे रामकरण के पिता मुंगी लाल ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा इंटरमीडिएट का छात्र था। वह पढ़ाई में होनहार था। पिछले कुछ दिनों से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। देर शाम से वह घर से लापता था। आज सुबह पुलिस ने उन्हें लाश मिलने की सूचना दी। करारी में पेड़ से इंटरमीडिएट की छात्र की लाश मिलने के मामले पर कौशाम्बी पुलिस के एडिशनल SP अशोक कुमार के मुताबिक करारी के सेसा गांव में मिली रामकरण के परिवार वालों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? दिमागी संतुलन होकर गड़बड़ हुई का है भैया। पढ़ने में बहुत तेज रहा, रात दिन पढ़त रहा, दिमागी संतुलन गड़बड़। काय में पढ़त रहा? इंटर। अच्छा, तो कब घर से कब निकला है वो? ये कल निकला है सर। क्या नाम है लड़के का? रामकरण। आपका क्या नाम है? मुंशीलाल। अच्छा, किसी कोई उसे मार के लटकाया या कुछ? नहीं साहब, कोनो तरह का कोई का नहीं बहाना है। तो आपको वो आत्महत्या किया आपको लग रहा है? हाँ। युवक का शव मिला है, क्या है पूरा मामला, इसमें क्या कार्रवाई की जाए? थाना करारी में आज सुबह एक 17 वर्षीय युवक का शव लटकता हुआ मिला है। तो इसमें उनके पिताजी ने तहरीर दिया है कि उसने आत्महत्या कर ली है और इसके आधार पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।